हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव लेकर आ गया हूँ आपके लिए जावा फुल कोर्स की सेकंड वीडियो। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वीडियोस देख रहे हो, उसको पसंद भी कर रहे हो, लेकिन आप वीडियोस पे लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो लास्ट वीडियो में हमने जावा इंट्रोडक्शन किया है, जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा की नीड हमें क्या है, ठीक है, ये सब हमने किया था। और हमने जावा JDK भी इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। और हमने जावा फर्स्ट प्रोग्राम जो बनाया था, जो हमारा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो भी हमने बना लिया है। सो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपका कुछ टॉपिक्स और क्लियर करना चाहूंगा, जो मेरे लास्ट वीडियोस पे कमेंट आए हैं स्टूडेंट्स के, उनकी क्वेरीज आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं। सो मैं पहले अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो ये कोर्स है ये बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में आप मुझे लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियोस के ऊपर, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी डाउट होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो टॉपिक जरूर क्लियर करूंगा या फिर जरूर डिस्कस करूंगा इस वीडियोस में। एंड जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का उसमें दे रखा है। सो प्लीज आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मेरे से डिस्कस करिए वो चीज। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि सर प्रोग्रामिंग हम क्यों करें, या प्रोग्रामिंग है क्या। बच्चों को वो क्लियर नहीं हुआ तो उनके लिए मैंने ये नोट्स दोबारा बनाए हैं। सो ये जो नोट्स है, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सर प्रोग्रामिंग है क्या। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक वी यूज हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन टू एक्सप्रेस कॉम्पिटिशन दैट कैन बी परफॉर्म बाय ए मशीन, particularly by a computer, okay. It can be used to create programs that control the behavior of a machine to express algorithm precisely or as a mode of human communications, okay. जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियोज में कि एक हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर और कोई भी लैंग्वेज, तो हमें दो, किसी भी हम बात करते दो बंदे, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का वे जरिया रहता है वो क्या रहता है, हमारी लैंग्वेज। तो वैसे ही हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो उसके लिए बनाई गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल डिजाइन है जिनको मशीन समझ सके, ठीक है, या फिर कंप्यूटर समझ सके, इस चीज के लिए डिजाइन है ये लैंग्वेज। क्रिएट प्रोग्राम दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मशीन। और जो ये लैंग्वेज बनाई गई है वो बनाई गई है कि मशीन का बिहेवियर हम जान सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, या फिर उनके एल्गोरिथम को सही से हम समझ सकें और हम उनसे कम्युनिकेट कर पाए, इस चीज के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनाई गई है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द वे टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूजर एंड ए कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक वे है जो कम्युनिकेट करने के लिए एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जैसे कि मैं और कंप्यूटर, हम दोनों, मैं कुछ काम कराने जाता हूँ, टास्क कराने जाता हूँ, तो हमारे बीच में जरिया क्या है, वो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल उसमें है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, पाइथन एंड ऑल, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं और भी प्लेलिस्ट लेके आऊंगा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मैंने कल आपको बताया था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अलावा भी दो दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड थर्ड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
जिसके अंदर हमारी मशीन लैंग्वेज और मिडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है हमारी सी लैंग्वेज, एंड हाई लेवल में आती है जावा और पाइथन, इसके अलावा भी है। तो ये यहाँ तक का है फर्स्ट टॉपिक। तो इतना हम कर चुके हैं इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन भी कर लिया हमने, जावा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं हमारा एक और न्यू प्रोग्राम, जो कि हम नोटपैड में ही बनाएंगे, ठीक है। नोटपैड हमने ओपन किया, इसमें मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से विजिबल हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक तो फर्स्ट जो था वो था क्लास, क्लास एंड देन क्लास नेम, देन कर्ली ब्रेसेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ सब चीजें। स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट्स एंड ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस अगेन स्टार्ट करना है। वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग, ओके। मैं कुछ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन व्हाट वी वांट टू प्रिंट, हेलो वर्ल्ड। देन ये हमारा कोड जो हो चुका है वो कंप्लीट, वेट जो कोड है वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और जो मैंने बताया था कल, जो हमारा क्लास नेम होता है वही हमें हमारे फाइल का नेम डालना होता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो हमारे जावा की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हमारी फाइल हो गई है सेव। अब मैं ओपन करता हूँ कमांड CMD, ये हमारा कमांड ओपन हो चुका है। अब जो मेरे पास कल काफी कमेंट्स आए कि सर आपका कमांड जो था, जो आउटपुट था, हमें अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो मैंने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो मैं अब आता हूँ डेस्कटॉप पर, तो सीडी डेस्कटॉप, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब मैं मेरी फाइल को कंपाइल करता हूँ। फाइल कंपाइल कराने के लिए हमारे पास कमांड थी जावा सी स्पेस फाइल नेम देन जावा, ओके, देन एंटर। ये हमारे फाइल कंपाइल हो चुकी है यहाँ पे, ये हमारा बाइट कोड यहाँ जनरेट हो गया, फाइल क्रिएट हुई है जो कि बाइट कोड है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं हमारा एग्जीक्यूट होता है नहीं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास है जावा एंड देन हमारे पास है फाइल नेम, सॉरी फाइल नेम, एंटर। ये जो हमें आउटपुट मिला है, जो हम प्रिंट कराना चाहते थे, वो हमें आउटपुट मिल चुका है। हमने प्रिंट कराना था हेलो वर्ल्ड, और ये हमारे पास आ चुका है प्रिंट होके, ठीक है। अब हम समझते हैं ये है क्या, ठीक है, कि आउटपुट आया कैसे है, ठीक है, और ये चीजें है क्या, ठीक। तो अभी मैं आपको बताता हूं, जो हमने यहाँ पे जो कंडीशंस होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, वो तीन होती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास थ्री स्टेटमेंट्स में से एक है क्लास ब्लॉक, ठीक है। जंप क्लास ब्लॉक, क्लास ब्लॉक हमारे पास। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बनाता हूँ तो उसकी तीन स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है क्लास ब्लॉक। क्लास ब्लॉक है क्या, ठीक है। क्लास ब्लॉक है हमारे पास जो ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, ये वाला कर्ली ब्रेसेस और ये, इसके बीच में जितना भी है ये है क्लास ब्लॉक, ठीक है। देन हमारे पास आता है मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड क्या है,
मेन मेथड जो है वो ये है, जो हमारा रन होता है जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं वो मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो जो इन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो है मेन मेथड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ पे लास्ट है प्रिंट स्टेटमेंट, जो ये जो बॉक्स है जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। तो थ्री स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज आवर कोड जो हम काम कराना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो ये होती है तीन स्टेटमेंट्स जावा की। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो रूल्स है। मैं आपको बता रहा था रूल्स, मैंने आपको ये रूल भी बता चुका हूँ मैं, ये रूल क्या है। कोई भी हम फाइल को सेव करेंगे तो उसको फाइल सेव करने के लिए हमें क्या होता है, जो भी हमारा क्लास का नाम होता है उसी फाइल के क्लास के नेम से हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है, वो होती है जावा सी स्पेस एंड देन क्लास नेम जो हमारा फाइल नेम है एंड डॉट जावा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास होता है जावा स्पेस क्लास नेम। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट है हमारे पास जो भी हम क्लास का नाम देते हैं जो भी उसी नाम से हम हमारी फाइल को सेव करेंगे, और ये होता है हमारा जो क्लास का नाम है वो। ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर है वो हमारा मेन मेथड, ये है मेन मेथड और ये है हमारा स्टेटमेंट, और ये है इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है हमारी स्टेटमेंट जो जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वी स्टार्ट एक प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। मेन क्वेश्चन ये काफी बार पूछा जाता है कि कंपाइल जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको कंपाइल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इस ग्राफ की हेल्प से आपको बताता हूँ कि एक प्रोग्राम को कंपाइल करते कैसे हैं। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो हमारा एडिटर, कि हमारा एडिटर कैसे हेल्प करता है हमारी वो मैं बताता हूँ। एडिटर हमारी कैसे हेल्प करता है कि हम उसमें प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है प्रोग्राम लिखने का, कि हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, उसको प्रोग्राम लिखने के बाद हम सेव करते हैं उसे जो क्लास का नेम होता है उसी नाम से, और हमारी एक्सटेंशन होती है जावा डॉट जावा। ठीक है, और यह होती है टेक्स्ट फाइल। उसके बाद कंपाइल करने के लिए हम कंपाइलर के पास जाते हैं, जो कि हमारा कंपाइलर होता है जावा सी। ठीक है, जावा सी कंपाइलर होता है जो कि जावा का इनबिल्ट कंपाइलर है। फिर हम जो भी कंपाइल कराना होता है तो उसके लिए हम कमांड डालते हैं जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद हमारे पास एक बाइट कोड जनरेट होता है, बाइट कोड क्रिएट होगा, जो फाइल जो क्रिएट होगी वो डॉट क्लास के नाम डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होती है। ठीक है, जो डॉट क्लास फाइल हमें मिली है उसको उसका हम क्या करें। ठीक है, उसको हमें एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जेवीएम के पास जाएंगे। जेवीएम के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमांड देते हैं वो हम देंगे जावा डॉट जावा स्पेस जो क्लास नेम है हमारा वो, इसको हमें एक्सटेंशन लगाने की हमें नीड नहीं है, और जेवीएम उसको फिर रन करके देगा हमारा आउटपुट। ठीक है, ये होता है जेवीएम का काम। तो अब सबसे पहले हमने किया है एक कोड को लिखा है, सबसे पहले हमने कोड लिखा, फिर उसको हमने सेव किया जो क्लास का नाम है उसी नाम से। उसके बाद हमने उसको कंपाइल कराया किसकी हेल्प से, जावा सी की हेल्प से। ठीक है, जावा सी की हेल्प से हमने कंपाइल कराया। कंपाइल कराने जो भी कंपाइल करा रहे हैं हम, कंपाइल कराने का वे होता है जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो कि हमारा क्लास नेम था। कंपाइल कराने के बाद हमारे पास क्रिएट होती है क्लास फाइल। ठीक है, जो बाइट कोड है हमारे पास वो जनरेट होता है। ठीक है, उसको हम फिर देते हैं किसको, जेवीएम को। जेवीएम क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमें देगा आउटपुट। ये जितना प्रोसेस है ये फुल प्रोसेस हमारा किसके अंडर हो रहा है, ये जितना भी प्रोसेस हमारा हो रहा है जेडीके के अंडर। ठीक है,
और जो ये इसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने में, कंपाइल होने में जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो जीआरई करा रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम है जेडीके का, फिर आता है जीआरई, और लास्ट में हमारे पास आता है इंटरप्रेट करने के लिए जेवीएम, जो हमारा कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये कोड सारा जो मैंने आपको ऊपर बताया वो ये चीज है कि कैसे कंपाइल होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा जावा, जो हम कोड लिखते हैं जावा कोड, उसको हम सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, फिर उसको कंपाइलर जो है हमारा जावा सी वो कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद उसको बाइट कोड जनरेट होता है जो कि डॉट क्लास फाइल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन होता है जेवीएम, जो कि इस जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। बाइट कोड क्योंकि कहीं भी रन हो सकता है इसको, लेकिन बस इसकी एक कंडीशन है, उसके पास जेवीएम होना चाहिए। जेवीएम ही हमारे प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, यही चीज है इसमें भी। सबसे पहले हमारा जावा डॉट जावा के नाम से हमने फाइल सेव की, जावा सी ने कंपाइल किया, फिर डॉट क्लास हमारे पास जनरेट हुई है फाइल, जेवीएम के पास हमने उसको इंटरप्रेट कराया, फिर इंटरप्रेट होने के बाद वो आउटपुट आया हमारे पास। ठीक है, फ्लो चार्ट को डिस्कस करने के बाद हमारे पास आता है पैकेज, जो कि कल मेरे पास ये भी एक कमेंट में क्वेश्चन आया है कि सर पैकेज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो पैकेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पैकेज है क्या। ए पैकेज इज जस्ट लाइक ए कंटेनर दैट कंटेन कलेक्शंस ऑफ क्लासेस। तो हमारे पास जितने भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, क्लासेस, सब क्लासेस, तो वो पूरे जो सब कुछ, ये जो एक कंटेनर है उसके अंदर स्टोर होगा, तो उसको स्टोर करेगा पैकेज। ठीक है, ये जितना भी स्टोर होगा वो पैकेज के अंडर स्टोर होगा। जावा यूज पैकेज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस इंटरफेस एंड सब क्लासेस इन एनी जावा प्रोजेक्ट। जो भी हम जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको, जैसे कि हम बना रहे कैलकुलेटर, तो उसकी फाइल्स हम अलग अलग क्लासेस बना लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट बना लिया मल्टीप्लाई करने के लिए एक क्लास बनाई है, डिवाइड करने के लिए अलग क्लास बना रखी है, तो वो अलग अलग एक हमने मेथड्स एंड क्लासेस बना रखे हैं, तो उनको स्टोर कौन करेगा, एक जगह पे रिलेट कौन करेगा कि ये एक ही ग्रुप के हैं, उनको रिलेट करता है पैकेज। ठीक है, पैकेज जो है वो सिमिलर फाइल्स का एक स्टोर है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसका फिर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, पैकेज माई पैक, माई पैक जो वो है पैकेज का नाम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग जो है इंट, डबल, बूलियन, कैरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये होते डाटा टाइप्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पैकेज कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पैकेज, पैकेज दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेज में है जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट एप्लेट, जावा डॉट नेट एंड जावा डॉट एसक्यूएल। इसके अलावा भी काफी पैकेज हैं जो हम आने वाली वीडियोस में साथ के साथ मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि हमने कहाँ कहाँ यूज किया है। जैसे हम इनपुट लेंगे तो हम यूज करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो ये पैकेज होते हैं अलग अलग, तो हम इसको आने वाली वीडियोज में जैसे जैसे हम इनका यूज करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनको डिफाइन करता जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड, तो हमने यूजर डिफाइंड, जैसे हमने यहाँ पे लिया माइक पैक, तो माई पैक यहाँ पे एक पैकेज है जो हमने डिफाइन किया है, जो यूजर ने डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद है पैकेज डॉ पैकेज बुक्स, बुक्स भी एक ऐसा ही है, हम कोई पैकेज बनाएंगे बुक्स के नाम से, वो एक पैकेज है यूजर डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेमिंग कन्वेंशन। जो नेमिंग कन्वेंशन है वो जावा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम फर्स्ट जो है वो हमारे पास फॉर क्लासेस वी यूज पास्कल कन्वेंशंस। पास्कल कन्वेंशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट कैरेक्टर फ्रॉम ए वर्ड आर कैपिटल लेटर्स, मीन्स अपर केस। जैसे कि हमने वो क्लास बनाई थी हेलो वर्ल्ड, तो उसमें फर्स्ट जो लेटर था हेलो का एच,
एंड वर्ल्ड का डब्ल्यू, ये दोनों कैपिटल थे। ठीक है, वैसे ही माई स्कैनर, मेन, माई कोड, या हम क्लासेस का नाम जो भी हम डालेंगे उनका जो जो भी, जैसे हम मैं डालता हूँ माई नेम, तो माई नेम का जो एम है, मैं इसमें एक एक क्लास और बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक क्लास मैं बना देता हूँ माई नेम, तो माई नेम का जो एम है वो कैपिटल रहेगा, एन कैपिटल रहेगा। ये हमने एक क्लास का नाम बना दिया। ठीक है, सेकंड आता है फॉर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स वी यूज कैमल केस कन्वेंशन। हेयर फर्स्ट कैरेक्टर्स इज लोअर केस एंड द सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स आर अपर केस। जैसे कि हम ये सेकंड देखते हैं, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है माई कोड। तो माई का मैंने जो एम है वो हम मैंने लिया स्मॉल, और कोड का जो सी है वो लिया मैंने कैपिटल। वैसे ही माई प्रोग्राम, ठीक है, माई प्रोग्राम का एम स्मॉल है और पी जो है वो कैपिटल है। ठीक है, तो वैसे ही जो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इनमें हम कैमल केस कन्वेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हम कैमल केस कन्वेंशन क्या है, पास्कल कन्वेंशन क्या है, और कहाँ हम इनका यूज करते हैं और क्यों हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये काफी चीजें पूछी जाती है। फिर हमारे पास आता है जावा कमेंट। ठीक है, जावा कमेंट्स क्या है? अगर हम कोई भी, जैसे मेनली क्या होता है, बिगनर्स क्या करते हैं कि कोड लर्न किया और उसको फिर डायरेक्ट उसको फिर एग्जीक्यूट कराने में लग जाते हैं, लेकिन वो फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वो है क्या। ठीक है, तो हम उसके उस चीज के लिए, या फिर हम किसी को समझाना चाहते हैं, हम किसी को हमारा कोड शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते कि हमने वो कोड या स्टेटमेंट वो किस चीज के लिए यूज कर रखी है, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं कमेंट का। तो जैसे कि हमने ये प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैं एक डालना चाहता हूँ कि दिस इज मैं जो मेरा प्रोग्राम जिसको मैं दूँ कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं इसमें ये लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बताओ कि ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, जो हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, या ये शो करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करके देखते हैं कि क्या होगा। मैंने प्रोग्राम को सेव किया। ठीक है, प्रोग्राम सेव करने के बाद मैं आता हूँ हमारे प्रोग्राम पर। तो प्रोग्राम को हम अब दोबारा से इसको करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास है जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। ठीक है, तो हमने ये कंपाइल करते हैं, हमारे पास से कंपाइल हो चुकी है फाइल। ठीक है, कंपाइल ऑन करने के बाद हमारे पास था जावा स्पेस क्लास नेम एंड फाइल नेम, ओके, डन, एंटर। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही क्यों आया? जो हमारे पास हमने ये यहाँ पे लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये क्यों नहीं आया? ठीक है, ये होता है कमेंट। ठीक है, ये कमेंट जो है, जो कमेंट्स होते हैं वो जेवीएम उसको नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये जेवीएम जो है इस लाइन को इग्नोर करेगा। ओके, सो ये होता है हमारा कमेंट। अब आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक और चीज लिख के देता हूँ। मैं एक लाइन लिखवाना चाहता हूँ और वो मुझे गलत है। ठीक है, मैं यही करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन वी स्टार्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ गौरव। ठीक है, क्या मैं लिख देता हूँ इसमें रोहित देन क्लोज। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं आता हूँ हमारा कमांड में मैं डालता हूँ, फिर से मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। ठीक है, कंपाइल मैंने कराया। कंपाइल कराने के बाद मैं इसको रन कराता है, एग्जीक्यूट कराया तो मैंने मुझे आया रोहित हेलो वर्ल्ड। ठीक है, रोहित में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट एलन, जो कि हमारा लाइन चेंज करने के लिए है।
ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक। अब मैंने ये सेव कर दिया दोबारा, मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ कोड को। मैंने कंपाइल कराया, फिर मैंने रन कराया, तो रोहित जो है वो अलग लाइन में है और हेलो वर्ल्ड है वो जो वो अलग लाइन में, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली लाइन ना सो, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर दिया। मैंने कमेंट करने के बाद क्या होगा, मैंने बताया था कि कंपाइलर इसको जो जेवीएम है इसको पढ़ेगा ही नहीं, वो इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करके फिर से मैं अपना प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि रोहित जो है वो प्रिंट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली जो इसको इग्नोर कर रहा है तो वो नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं प्रिंट हुआ है। ये काम होता है कमेंट का। अगर हम किसी को भी बताना चाह रहे हैं कि कमेंट हम किसी भी मतलब बंदे को बताएं, तो इसको ये होता है कमेंट, ठीक है। तो कमेंट भी हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है सिंगल लाइक का लाइन कमेंट, जो कि अभी मैंने किया है, जो हमने किया अभी वो है सिंगल लाइक कमेंट, ठीक है। देन आता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट में हम मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये दो लाइन है, ठीक है, मैंने यहां भी एक बार कमेंट किया, देन यहां भी मैंने कमेंट किया है, ठीक है। क्यों ना मैं इसको एक ही लाइन में करूं। तो एक लाइन में करने के लिए हमारे पास क्या है कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहां से मैं हटा के इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। एंड देन दिस फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार एंड देन व्हाट यू वांट टू शो देन अगेन स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव अगेन, और सेव करके फिर मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम अब की बार क्या शो करता है। अब की बार मैंने कंपाइल कर दिया और रन किया, फिर भी वही चीज, ठीक है। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट। इसके अंदर मैं एक और लाइन अगर प्रिंट करा मैं कमेंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, ओके। हम जितनी लाइन चाहे कमेंट में हम डाल सकते हैं। इसको जो इंटरप्रेटर है, जो जेवीएम है, वो नहीं पढ़ेगा, वो इसको इग्नोर करेगा, ठीक है। ये हम किस लिए डालते हैं कि मान लीजिए मैं अगर कुछ भी प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में आने वाले टाइम में मैं कभी भी इसको दोबारा चेक करूँ तो मुझे समझ में आए कि ये है क्या, ठीक है। तो बिगनर्स को मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि ये कमेंट्स जरूर लगाएं, कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो उसको कमेंट में डालोगे तो आपको याद रहेगा कि कमेंट्स हैं क्या, ठीक है, जो आपने कोड लिख रखा है वो क्या है, आप इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और फिर से एक बार कंपाइल कराता हूँ। मैं कंपाइल कराया, रन कराया, तो रन कराते ही हमारा वही आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था। हम कमेंट में कितनी भी लाइन लिख सकते हैं, वो जो कमेंट में लाइन लिखते हैं वो सारी के सारी इग्नोर की जाएंगी, वो नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। ये होता है हमारा कमेंट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। ये टॉपिक्स करने से पहले मैं आपको आईडीई इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि आईडीई हमें इंस्टॉल करना कैसे है, ठीक है। सो इक्लिप्स इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल ओपन करना और उस पर लिखना है इक्लिप्स, इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो साइट है उस पर हम क्लिक करेंगे जो इक्लिप्स फाउंडेशन की है, ठीक है। इक्लिप्स फाउंडेशन की हमने साइट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड का, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो है इक्लिप्स का ये, ठीक है। इसके लिए हम डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करते ही हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डाउनलोडिंग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो तब तक ये डाउनलोड होता है, ठीक है, तब तक हम करते क्या है कि इस पे एक चीज लिखी हुई है, वो मैं बताता हूँ। इक्लिप्स इंस्टॉलर 2023/03R नाउ इंक्लूड्स ए जेआरई फॉर मैक ओएस विंडोज एंड लिनक्स। तो आपको इसके अंदर ही जेआरई है, तो
आपको अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि आपको मैक के लिए अलग चाहिए, विंडोज के लिए अलग और लिनक्स के लिए अलग। आप डायरेक्ट इक्लिप्स इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो और आप चला सकते हो। तो हमारा जो इक्लिप्स है वो डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है इक्लिप्स पे, ये इक्लिप्स ओपन हो चुका है। तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हाँ ओपन हो चुका है। तो आपको इक्लिप्स चलाना किस लिए है, ठीक है? आप इक्लिप्स यूज किस लिए कर रहे हो? आप इक्लिप्स कर रहे हो एंटरप्राइज जावा और वेब डेवलपमेंट के लिए, इक्लिप्स कर रहे हो आप सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के लिए, या कर रहे हो आप पीएचपी के लिए, या फिर और काफी इसमें ऑप्शंस है, ठीक है? तो हमें जो इक्लिप्स करना है वो करना है एंटरप्राइज जावा और वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो हम इस पे क्लिक करते हैं। सो अब हम इस पे करते हैं इंस्टॉल पे क्लिक। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इसने एक परमिशन मांगी है, तो इसके लिए हम कर देते हैं एक्सेप्ट। यानी ये इंस्टॉल हो रहा, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम करते हैं थोड़ा वेट। मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो हमारा इक्लिप्स जो वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जब नेक्स्ट ऑप्शन आया वो सिलेक्ट करने का है, ये मैं कर देता हूँ वेट सिलेक्ट ऑल, ऑलवेज ट्रस्ट टू कंटेंट, यस एंड ट्रस्ट सिलेक्ट, ओके। देन इट विल इंस्टॉल जस्ट 1 or 2 मिनट। तो जो है इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको लॉन्च करता हूँ, ठीक है? ओपन कर लेता हूँ इसको। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगाता है ओपन होने में। तो ये ओपन हो चुका है। इसने मेरी जो इक्लिप्स की वर्क स्पेस है, क्योंकि मेरे पहले का जो था वो ये, ठीक है? तो मैं अब लॉन्च करता हूँ इसको। ये अब स्टार्ट हो रहा है इक्लिप्स, ओके। ये मेरा ओपन हो चुका है इक्लिप्स। तो ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं ये। तो मैं इसमें एक नया पैकेज बना लेता हूँ। वेट, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा न्यू पैकेज बना के, ठीक है? तो हमें सबसे पहले जो काम था हमारा था पैकेज बनाना, ठीक है? तो हम पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे, वो हम पैकेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जाके राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है न्यू, ठीक है? न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है पैकेज, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक नया प्रोजेक्ट। तो हम पहले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं जावा फुल कोर्स, ठीक है? मैंने डाल दिया जावा फुल कोर्स। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये इसने मेरे बता दिया कि यहाँ जैसा से फोल्डर्स हैं वो मेरे क्रिएट होंगे। देन मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? अब हम ये जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, जेआरई संस है, वो यहाँ पे ऑलरेडी इसने मेरे को दे दिया है। तो हमें इसको इंस्टॉल मतलब की इसको नीड नहीं है, ठीक है? एक बार हमारा जो काम था मैंने वो कर दिया है, ठीक। उसके बाद मैंने हम जो क्लासेस बनाएंगे, जब पैकेज बनाएंगे, वो हम बनाते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर, ठीक है? तो मैं एसआरसी फोल्डर में मैं अपना न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले पैकेज मैं क्रिएट करता हूँ, इसी नाम से मैं मेरा पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जावा फुल कोर्स के नाम से ही, ठीक है? तो मैंने फिनिश किया, जावा फुल कोर्स के नाम से मेरा पैकेज बन गया। तो पैकेज बनने के बाद हमारा सबसे पहला है, हम इसमें कंट्रोल एन से भी बना सकते हैं। कंट्रोल एन से हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्लास, तो हमें क्लास पे सिलेक्ट किया एंड देन नेक्स्ट। तो क्लास का हम नाम देते हैं, क्लास का नाम हम हेलो वर्ल्ड ही देते हैं। जो हमारा पहला प्रोजेक्ट पहला प्रोग्राम हमने किया था वही हम इसको नाम दे देते हैं। जो हमारे प्रोग्राम था, जो हमने लास्ट नोटपैड पे प्रोग्राम किया है, तो उसमें हमें सेव करते टाइम एक्सटेंशन लगानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हमें नीड नहीं है एक्सटेंशन लगाने की, ठीक है? तो अब मैं इसको करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद ये आ गया मेरा पैकेज। फर्स्ट है मेरे पास पैकेज का नाम कि मेरा पैकेज कौन सा है। ये मेरा पैकेज का नाम है, ठीक है? ये मेरा पैकेज का नाम है। उसके बाद है मेरे पास, ये मेरा क्लास का नाम है। अब हमारे पास पब्लिक क्लास बन चुकी है, ठीक है? पब्लिक क्लास के बाद हमारे पास आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है, हमने हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक
void and main and string and then arguments. Okay, then curly braces start. तो आप अगर एक भी यहाँ पे curly braces लगाते हो और enter करते हो, automatically यहाँ पे second curly braces अपने आप लग जाएगा. ठीक है, तो यही IDE का हमें benefit है. तो अब हम next जो भी हम देखे, देखो यहाँ पे हमें नोटपैड में हम बनाते थे तो टैब के साथ हमें लाइन आगे करनी होती थी, लेकिन ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी आप जितना भी ब्लॉक्स के अंदर आगे चलते जाओगे, जितने आप ब्लॉक्स आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही ये अपने आप अपने स्पेस लेता जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसमें डालते हैं हमारा फर्स्ट लाइन जो हमें प्रिंट करानी स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन ब्रैकेट एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड देन हेलो वर्ल्ड. ये हमारा कोड हो चुका है अब कंप्लीट. इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा आईडीए का, जैसे हम यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट अपने आप लग गया. जब मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाया तो यहाँ भी अपने आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लग गए. ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी. तो अब हमें सबसे पहला जो काम करना है इसको करना हमें सेव. तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं हम इसको कंट्रोल एस से, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रन किया. रन करते ही मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो हमें प्रिंट करा था वो आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ अब हेलो वर्ल्ड रवि. ठीक है, मैं डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड रवि. अब मैं इसको सेव करता हूँ. ठीक है, सेव करने के बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ. हेलो वर्ल्ड रवि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है. ठीक है, तो हमें नोटपैड की तरह वो नहीं है कि हमें बार बार में कंपाइल कराना, बार बार में रन कराना, हमें पहले नोटपैड में लिखना फिर उसके बाद हमें कमांड में जाकर उसको कंपाइल एंड रन कराना है. हमारा सभी काम अब फाइल बना, प्रोजेक्ट बनाने से लेके पैकेज बनाना, फिर क्लासेस बनाना और प्रोग्राम लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो सब काम आप एक ही जगह पे कर सकते हो. वो है हमारा आईडीए का बेनिफिट. ठीक है, तो अब इसमें एक होता है एरर्स. तो अगर हम इसमें ये सेमी कोलन हटा देते हैं, ठीक है, एंड देन सेव एंड रन करते हैं. ठीक है, देन सेव एंड रन करते हैं. तो हमारे पास रन करते हैं, इसने एक्सेप्शन बता दिया कि जो हमारा कंपाइलेशन प्रॉब्लम है वो सिंटैक्स एरर है. तो एरर भी हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से एरर होते हैं सिंटैक्स एरर है. तो इंसर्ट इसने बताया कि हमें जो ब्लॉक स्टेटमेंट है उसमें एक यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ये रेड लाइन शो कर रहा है, यहाँ भी एरर शो कर रहा है. तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर बता रखा है कि इंसर्ट यहाँ सेमीकोलन हमें इंसर्ट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं. लगाते ही ये जो हमारा एरर था वो हमारा जा चुका. अब हम इसको सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं, ये हमारा रन हो गया. ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है. तो मैंने जो आपको पढ़ाया है कि कमेंट्स क्या होते हैं या फिर एक दो प्रोग्राम्स और आप इसमें बना के देखो. ठीक है, इक्लिप्स को आप डाउनलोड करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से थे, डाटा टाइप्स कौन कौन से थे, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा मैं लेके आऊँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, जो अब तक हमने किया उसके ऊपर हम मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लाया हूँ. तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप जरूर करो, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जरूर करो और फिर मुझे कमेंट्स में आप इनका आंसर बताइए. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे. सेक्शन क्वेश्चंस है, मैं इसको सभी के आंसर्स बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले आप ये इनको सॉल्व करो. मैं आपको इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन.